जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? सब फिट फाट? दोस्तों, दानाई के घर से आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई अहम टॉपिक की। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की जो बुरी आदत हैं वो सारी ख़त्म होने वाली हैं, और सारी अच्छी आदत जो आप अपनाने से डरते हैं वो आप अख्तियार करने वाले हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। दोस्तों, हम कोई भी फैसला करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने अपनी ये आदत तब्दील कर देनी है, मैं अपनी ये रूटीन तब्दील कर देनी है, और मैंने ये काम छोड़ देना है, तो वो हम कुछ दिन तो करते हैं और फिर वो काम थोड़ी देर अरसे के बाद हम वो काम छोड़ देते हैं। हम अपने फैसले पर सख्ती से अमल नहीं कर पाते। हमने जिस तरीके से हम एक्साइटेड होते हैं कि हमने ये आदत अपनी बुरी छोड़नी है, वो जोश चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, ख़ासकर जो है हमारा, हम सब लोगों का बहुत बड़ा मसला है कि हम जो है वो अपने फैसलों पर अमल नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि यार ये मैं जो है ना, मेरी सेहत बर्बाद हो रही है, अब मैंने रूटीन में वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है और हर सूरत करनी है, मैंने कुछ भी हो जाए मैंने ये करना ही करना है, या कोई डाइट प्लान है कि मैंने ये चीज़ें मैं खाने से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मैं ये चीज़ें खाऊंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। वो जिस एक्साइटेड होते हैं हम शुरू कर देते हैं और फिर चंद दिनों के बाद वो ख़त्म भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। अब सवाल ये है कि जोश अहम है या उस आदत पर जो है वो टिके रहना ज़रूरी है, या उस आदत पर अमल करते रहना जो है वो ज़रूरी है। अब जोश तो आपने बना लिया कि आपने ये कर लेना है, लेकिन वो जोश तो चंद दिनों के अंदर ठंडा पड़ जाता है, फिर आप उस आदत पर अमल नहीं कर पाते। अच्छी आदत पर वो एक्साइटमेंट, सवाल ये है कि वो एक्साइटमेंट अहम है, वो जोश अहम है, या वो रूटीन अहम है, वो आदत अहम है जिस पर आपको अमल करना चाहिए। मतलब आपकी सेहत बर्बाद हो रही है, आप मोटे हो रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और एक दिन आप फैसला करते हैं कि अब मैं वॉक भी करूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, चंद दिन करते हैं आप, फिर वो रूटीन की लाइफ की तरफ वापस लौट जाते हैं। तो अब आपने अपने आप से, अब ये आपके लिए सवाल है कि आपके लिए वो जोश अहम है, वो एक्साइटमेंट अहम है, या उस रूटीन पर आना अहम है, उस आदत को अख्तियार करना अहम है, क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ और मेरी सेहत बर्बाद हो रही है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी हो सकता हूँ, मुझे शुगर भी हो सकती है। अब ये आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना है, इस तरीके से नहीं कि आपने सिर्फ जोश जो है ना वो चंद दिनों के लिए होता है। याद रखें, दुनिया में कोई भी जोश, कोई भी एक्साइटमेंट जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो चंद दिनों के लिए होती है। चंद दिन आप बॉडी बनाने गए, चंद दिन आप जिम में गए, चंद दिन के अंदर आपने बड़ी पावरफुल तरीके से जिम की, चंद दिन के बाद आपको जिसमें तब्दीलियाँ महसूस हुई, थकावट महसूस हुई, आपने कहा गोली मारो यार, ऐसे ही ठीक है। फिर हम हर चीज़ को जो है ना वो गोली मार देते हैं। ये हमारी बचपन से जो है ना वो कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हम उससे वो निकल नहीं पाते, वो आदतें ऐसे पड़ी हुई हैं कि उसे छोड़ नहीं पाते। विल पावर कर लेते हैं कि अब ये मैंने ये दिखाऊंगा कि मैंने अब ये जो है ना बॉडी बढ़ा के दिखानी है, देखे मैं सलमान खान ही लगूंगा, लेकिन विल पावर की एक लिमिट होती है, उसकी एक हद होती है, उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। विल पावर हमेशा कुछ दिनों के लिए होती है, वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई काम शुरू करें, कोई नई आदत अपनाएं, कि आपको मालूम होने लगा है कि आपका जिस्म जो है मोटा हो रहा है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वॉक की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर एक्साइटमेंट अहम नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस अहम नहीं है। ड्रास्टिक चेंजेस भी लेके आएंगे तो आप जो है वो तंग हो जाएंगे। किसी किस्म का आइडियल सिनेरियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रियलिटी को, उसको एज इट देखें, रियलिटी को एज इट देखें कि ये तो जोश जो है तो वो दो दिन करेंगे फिर छूट जाएगा, ऐसा क्यों होता है? फिर आपको अपने आप को जो है वो करना होगा कि ये कोई दो दिन की एक्साइटमेंट नहीं है, ये मैंने 5-10 साल की, 20 साल की, 30 साल तक मैंने ये करनी है वॉक एक्सरसाइज। ये नहीं कि मैंने 4-4 घंटे करनी है, तो आप 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट करें,
लेकिन करें ज़रूर, सुबह उठें ज़रूर, वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने उस आदत को नहीं छोड़ना, आपने उसकी जो है ना लंबी प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि एक्साइटमेंट के मैं आज मैंने देखने 4-4 घंटे करूँगा, फिर आप जो है ना वो 4-4 घंटे तो करेंगे लेकिन वो सिर्फ 2 दिन के लिए करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी चेंजेस करें, छोटी छोटी तब्दीलियाँ करें, गैर हकीकी मकासद न बनाएं, आइडियल मकासद न बनाएं जो है ना। वो डेली एक्सरसाइज ही करनी है, चाहे वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 2 मिनट तक आप कहेंगे ना कि मैंने लंबी करनी है 30 साल तक, तो अगर आपने 2 मिनट का कहा है तो आप कम से कम दो ढाई घंटे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग लंबी होगी। आदतें इस तरह बदलती हैं, एकदम नहीं बदलती। आदतें जो हैं वो एक्साइटमेंट से नहीं बदलती, आदतें जो हैं वो ड्रास्टिक चेंजेस से नहीं बदलती, आदतें जो हैं वो जो है ना लॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए, रियलिटी को ऐसे देखना पड़ता है कि मैंने जाना है डेली जिम के लिए जाना है, जितना वक्त भी मिलेगा, चाहे कोई भी काम होगा, मैं चाहे 2 मिनट के लिए जाऊं, मैंने डेली जिम जाना ज़रूरी है। ये अपने आप को कहना है, ये नहीं कि मैंने डेली जिम जाना है और 5 घंटे करना है, नहीं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आपने जाना है, हर सूरत जाना है, चाहे 5 मिनट करनी है, चाहे 10 मिनट करनी है, चाहे 20 मिनट करनी है। तो 5 मिनट के लिए आप हमने जाना है तो जाना ज़रूर है। तो ये छोटी छोटी तब्दीली, मतलब आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ रहा है, आपको जो है ना वो चंक फूड खाने की आदत है, आपको ऐसे फूड खाने की आदत है जिससे आपकी सेहत बिगड़ रही है, आपका मैदा ख़राब हो रहा है, आपकी बायोलॉजी ख़राब हो रही है, तो आप उसको जो है ना वो एकदम जो है ना वो जो खा रहे हैं आप बचपन से, वो सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते। उसके लिए भी आपको छोटी छोटी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, आपको वो सारी चीज़ें एकदम छोड़नी नहीं है, बल्कि आपने एकदम जो है ना अपना छोटी छोटी तब्दीलियाँ करनी है, कुछ कभी खा लेना है थोड़ा सा वो जो आप खाते आ रहे हैं, बाकी आपने वो खाना है जो सेहत के लिए अच्छा है। तो दिमाग को जो है ना, जो हम इंसान का दिमाग है ना, ये एक बच्चे की तरह होता है, और बच्चा जो है ना वो शरारती होता है, और ये दिमाग भी शरारती है, ये बंदर की तरह है। जिस तरह बच्चा भी अपना हरकतें करते हैं, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इस तरह इंसान का दिमाग भी कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। इसको बच्चे की तरह जो है ना वो ट्रीट करें, इसको प्यार से समझाएं। माइंड जो है ना, इस माइंड, ये बुनियादी तौर पर क्या है, सब कॉन्शियस है, और ये विल पावर से ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप समझते हैं कि आपका माइंड जो है ना कॉन्शियस जो है ना आपका सब कॉन्शियस ये कमज़ोर है, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी विल पावर से जो है ना वो आपके एक्साइटमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसको बच्चे की तरह ट्रीट करें। विल पावर जो है ना वो अहम नहीं है, अहम है कि आप जो है ना उस आदत पर अमल करते रहें। तो जो है ना ये माइंड को, माइंड की जो ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। सबकॉन्शियस को मालूम ही नहीं होगा, जब आप छोटी छोटी तब्दीलियाँ करेंगे ना तो आपके दिमाग को मालूम ही नहीं होगा, उसी तरफ चल पड़ेगा। अब तो आप एक्साइटमेंट से करते हैं तो वो क्या होता है कि वो 2-4 दिन के बाद, लेकिन जब आप छोटी छोटी प्लानिंग करके तब्दीलियाँ करके करेंगे तो आपका दिमाग भी उस तरफ चल पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस भी उस तरफ चल पड़ेगा, तो फिर आप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग सब उस दिमाग को आदत पड़ जाएगी। तो ये आदत बनानी पड़ती है, ये लॉन्ग टाइम विजन चाहिए इसके लिए, इसके लिए ड्रास्टिक चेंजेस नहीं चाहिए, इसके लिए एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। ये हम बड़े पुरजोश कौम हैं, बड़े जोश वाले हैं, तो यहाँ पे जोश जो है ना, जोश कहीं पे भी नहीं चलता ज़िंदगी में, कहीं भी जोश या एक्साइटमेंट नहीं चलता, लॉन्ग टाइम विजन चलता है, और वो जो है हम में है नहीं। हम नीचे गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन हमने एक्साइटमेंट दिखानी है। तो स्मार्टली करें हर काम, बड़े आराम से चीज़ों को करें, बड़े सोच समझ के करें, क्योंकि हमारे दिमाग में एक वक्त में कई हज़ार थॉट्स तो चल रहे होते हैं, अटेंशन हमारी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो जब हमारी वो लॉन्ग प्लानिंग होगी तो हमारी जो है ना कुछ भी हो जाएगा, इधर जाना पड़े, उधर जाना पड़े, वो हमारी अटेंशन उस पर रहेगी, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम विजन है
कि मैंने यार करना है, हर सूरत करना है, मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, मेरा मैदा ख़राब हो रहा है, मुझे फलां बीमारी हो रही है, फलां बीमारी हो रही है, तो लॉन्ग टाइम विजन है, मैंने करना ही करना है। फिर आप कहीं भी होंगे 5 मिनट निकाल लेंगे, फिर वो 5 मिनट 5 घंटे तक चलेंगे। अपने हर जो है ना वो करना है तो करना है, फिर मतलब ये आप जब लॉन्ग टाइम विजन होगा तो आपको अपनी बहुत सारी सहूलत हो जाएगी। तो ये बातें जो है ना ज़िंदगी में बड़ी अहम है, अपनी आदत को तब्दील करें, बेहतरी लाएं उसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़ नासिर।